पलों की बात हो रही है तो आपको ये भी बेहद दिलचस्प खबर हम जरूर देना चाहेंगे कि बॉलीवुड में छाया हुआ है जादू बॉलीवुड स्टार्स के बीच फिल्मी सितारों को लेकर। जहां एक तरफ सलमान खान की आने वाली फिल्म भारत का टीजर सामने आ गया, जहां एक तरफ सलमान खान कैटरीना कैफ की इस फिल्म को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आए थे लास्ट ईयर जीरो, तो वही सलमान और कैटरीना की जोड़ी एक बार फिर धमाल कर रही है। चलिए एक बार फिर से हम आपको बता दें, ये बेहद ही दिलचस्प किस्सा है आप सभी के फेवरेट सितारों के बीच, आप सभी से जुड़े खास सदस्यों के बीच। आजकल जो चर्चा चल रही है फिल्मों को लेकर, जहां मणिकर्णिका रिलीज हुई, ठाकरे फिल्म रिलीज हुई, दोनों ही फिल्मों को फैंस की जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ खबर आ रही है कि इस बार सलमान खान के अलावा बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन से लेकर बॉलीवुड एक्टर आमिर खान, सुनील शेट्टी सभी के सभी खेलने वाले हैं एक साथ अपनी अपनी फिल्मों को लेकर। तो देखना काफी दिलचस्प होगा कि स्टार किस तरह से आगे बढ़ते हैं। लेकिन मजे की बात तो ये है, सबसे मजे की बात तो ये है कि इस बार सलमान खान ने अभिषेक बच्चन की करियर को टूटने का फैसला ले ही लिया है। जिस तरह धूम 4 को लेकर कंफर्मेशन मिल रही है कुछ खबरों के माध्यम से कि सलमान ही होंगे इस फिल्म में, वहीं दूसरी तरफ ये भी खबरें आ गई हैं कि भारत फिल्म के जरिए सुपर डुपर हिट फिल्म में एक बार फिर से अपना नाम टॉप पर रखने के लिए सलमान खान ने तैयारी कर ली है। लेकिन अभिषेक बच्चन को बॉलीवुड में अपने करियर को पर उठाने का मौका सलमान नहीं देने वाले। कहीं ना कहीं ऐश्वर्या से दुश्मनी सलमान खान की बढ़ती नजर आएगी, क्योंकि इस बार ऐश्वर्या राय बच्चन के हस्बैंड अभिषेक बच्चन की डूबते करियर को बचाने से सलमान खान नहीं आगे बढ़ पाएंगे, सलमान खान नहीं उन्हें आगे बढ़ा पाएंगे, बल्कि उन्हें और भी पीछे की ओर धक्का देते नजर आएंगे।